जो लोग भी गुड़गांव में दो सवा दो करोड़ के बजट में चार साल के पेमेंट प्लान के साथ एक हाईराइज बिल्डिंग में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या अपने रहने के लिए लेना चाहते हैं सो दिस इज प्रॉब्ली वन ऑफ द लास्ट अपॉर्चुनिटीज दैट इज गोइंग टू कम योर वे मतलब सामने आपका डीएलएफ है सवा सौ एकड़ का ठीक है पास में ही आपका एन है और एस पी आर रोड सी पी आर रोड सारी चीजें ग्लोबल सिटी वहां से इजिली अप्रोचेबल है द ओनली थिंग दैट यू नीड टू रिसर्च ऑन और द द द ओनली थिंग दैट यू नीड टू बी कन्विंस्ड अबाउट आर ऑफ बिल्डर कि आप ये देखें कि इन्होंने फरीदाबाद में कैसे प्रोजेक्ट बनाए हैं आप उनके बारे में थोड़ा सा आप गूगल पे रिव्यूज देखें और अपर, अपनी तरफ से रिसर्च करें हाय गाइस दिस इज योर ट्रस्टेड रियल एस्टेट गाइड अब और गाइस आज मैं आपको दोबारा से मिलने आया हूं अपनी एस पी आर रोड की कवरेज को आगे बढ़ाने के लिए ठीक है मेरा जो लास्ट पॉडकास्ट था उसमें भी मैंने आपका जो एम एक्स का नया कैंपस बन रहा है उसमें जो लोग शिफ्ट करने वाले हैं उनके लिए आस पास क्या अपॉर्चुनिटीज बनती हैं उन अपॉर्चुनिटीज को मैंने डिस्कस किया था आई होप आपने वो मेरा पॉडकास्ट देखा होगा ठीक है उस पॉडकास्ट में भी गाय मैंने बताया था एक प्रोजेक्ट के बारे में जिसका की नाम है अडोर सेवनटी सेवन अभी ऑफिशियली हमें प्रोजेक्ट का नाम नहीं पता है सेक्टर सेवनटी सेवन में अडोर ग्रुप का प्रोजेक्ट है जो कि फरीदाबाद का ग्रुप है वहां पे आज की डेट में मतलब ना जो लोग भी गुड़गांव में दो सवा दो करोड़ के बजट में चार साल के पेमेंट प्लान के साथ एक हाई राइज बिल्डिंग में इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने रहने के लिए लेना चाहते हैं सो दिस इज

हम अडोर 77 के बारे में आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे वो ऑब्वियसली बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स पहले ही दे चुके हैं जो कि रहरा यू you नो know, का वेट नहीं करते हैं और रेहरा से पहले ही प्रोजेक्ट के वीडियोस बना देते हैं दे डोंट हैव यू नो एनी रिस्पेक्ट फॉर द लॉ बट मैं ऐसा यू you नो know, करने से अवॉइड करता हूँ तो आज आपको मैं कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन बताऊँगा इस प्रोजेक्ट में क्या आपके लिए चैलेंजेस हो सकते हैं और क्या इसमें आपके लिए अपॉर्चुनिटीज हो सकती है वो सारी की सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट अस डाइव डीप इनटू टू सेक्टर 77 सो so भाई सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट की लोकेशन के बारे में आपसे बात करूंगा आप लोग बहुत अच्छे से गुड़गांव का मैप समझते हैं ये आपकी एसपीआर रोड है ठीक है जो आपकी आगे सीपीआर की तरफ जा रही है इधर यही पे कॉर्नर पे आपकी एम थ्री एम की सेल्स गैलरी बनी हुई है यहां से एक सिक्सटी मीटर रोड जाती है गाय सीधा आपका एन की तरफ जो तो टोल अवॉइड करके लोग यूज करते हैं वहां पे एमआर का पाम हिल्स बना हुआ है पाम गार्डन भी सामने बना हुआ है उसी रोड के ऊपर गाइज ऊपर, जहां पे डीएलएफ प्रेवाना राइट हैंड पे अभी लॉन्च हुआ था उससे पहले प्रेवाना साउथ लॉन्च हुआ था उसी रोड पे गाइज आपका 60 मीटर रोड से ही इस प्रोजेक्ट की आपकी यहां पे एंट्री है ठीक है तो 60 मीटर रोड से डायरेक्ट आपकी एंट्री हो गई आसपास में आपका सवा सौ एकड़ का डीएलएफ का लैंड बैंक हो गया ठीक है पास में आपका डिलीवर्ड प्रोजेक्ट इसका भी हो गया आपका एमआर का प्रोजेक्ट हो गया ७६ में आपका वाइट लैंड का प्रोजेक्ट बन रहा है फिर ७७ में आपका डीएलएफ मैंने आपको बताई दिया फिर पीछे ७८, ७९ में जो डेवलपमेंट है वो आप लोग नो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं ठीक है कंपनी का रहरा आ गया है बट दे स्टिल वेटिंग टू यू नो फॉर्मली लॉन्च द प्रोजेक्ट बिकॉज ये प्रोजेक्ट आपका प्री लॉन्च में छ आठ महीने पहले काफी हद तक बिक चुका था तो अब जिन इन्वेस्टर्स ने उस टाइम पे यहाँ पे इन्वेंट्रीज उठाई थी आज की डेट में वो इन्वेंट्रीज आपको मिल जाती हैं और ये इन्वेंट्रीज आपको उस पर स्क्वायर फीट प्राइस पे मिलती है जिस पर स्क्वायर फीट प्राइस में उस एरिया में चार से पांच किलोमीटर में कोई भी बिल्डर नहीं बेच रहा है वो प्राइस क्या है उसके लिए आपको हमें फोन करना पड़ेगा बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया अबाउट टू पॉइंट वन सीआर से यहाँ पे आपके स्टार्टिंग थ्री बी एच के आपको मिल सकते हैं तो जो लोग भी चार साल के पेमेंट प्लान के साथ यू नो चीजें देख रहे हैं थ्री बी एच के की हाई राइज बिल्डिंग में माई वन कंस्ट्रक्शन में वो लोग यू नो इस प्रोजेक्ट को कंसिडर कर सकते हैं तो गाइज एक चीज और जो आप में से काफी लोग शायद नहीं जानते होंगे अडोर ग्रुप इस ग्रुप के बारे में मैं कुछ आपको बैकग्राउंड देता हूँ बेसिकली ये फरीदाबाद का बिल्डर है जिन्होंने वहां पे अभी तक अफोर्डेबल हाउसिंग के कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं और प्रोजेक्ट्स को ये डिलीवर भी कर चुके हैं ठीक है मैंने अपने कुछ फरीदाबाद में दोस्तों से बात करी थी तो इनके जो प्रोजेक्ट्स की जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है वो एट बेस्ट एवरेज है बहुत कोई आउटस्टैंडिंग कंस्ट्रक्शन क्वालिटी उन्हें वहाँ करी नहीं ऑब्वियसली अगर अफोर्डेबल प्राइस पे चीज बेची है तो बहुत ज्यादा उसमें यू नो फाइन अनलेस यू आर अ सिग्नेचर तो आपको एवरेज ही वहां पे कंस्ट्रक्शन मिलती है ठीक है गुड़गांव में दिस इज देयर फर्स्ट प्रोजेक्ट ठीक है और यहाँ पे इनका और भी लैंड बैंक है इसके बाद दे लॉन्चिंग बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स और ये प्रोजेक्ट बिल्कुल यू you नो know, पहला प्रोजेक्ट है फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है तो इसी के बेस पे अपना गुड़गांव के आगे प्रोजेक्ट यू you नो know, बिल्डर बेचेगा तो इसीलिए भी ये प्रोजेक्ट इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दूसरी चीज क्या है गाइस अभी इनकी ना गुड़गांव में बहुत ज्यादा लोग इनको जानते नहीं है बहुत ज्यादा इनकी कोई एक्विटी नहीं है दैट इज वाई दे आर स्टार्टिंग एट अ स्लाइटली लोअर प्राइस विच इज यू नो Uh, मतलब लेस देन द एवरेज वेटेड प्राइस ऑफ दैट एरिया जिस चीज़ का आपको यू नो बेनिफिट मिल सकता है बाकी मतलब ना रेरा के टाइम पे आप यू नो बिल्ड बिल्डर्स की क्रेडिबिलिटी को लेके और प्रोजेक्ट की डिलीवरी को लेके यू नो आप लोग काफ़ी पहले के मुकाबले अश्योर्ड हो सकते हैं तो अगर आप मेरे से पूछेंगे गाइज ओवरऑल अगर बिल्डर के क्रीडेंशियल्स को रेट करना है तो मे बी यू नो आई वुड से कि इनकी क्रीडेंशियल ना एट बेस्ट एवरेज ही है सो गाइस बेसिक चीजें जो मैंने आपको पहले भी बताई थी अब यहाँ पे मैंने उनको जॉट डाउन कर दिया है कि टोटल आपका 10.5 एकड़ का प्रोजेक्ट है आठ टावर हैं 816 सो इसमें यूनिट्स हैं ठीक है 3 के जो आपका है 1833 से 1834 64 स्क्वायर फीट दो इसमें साइजेस है फिर एक आपका थ्री बी के प्लस सर्वेंट है जो 2105 और 2115 स्क्वायर फीट का है फिर एक पाउडर रूम वाला भी एक और साइज है इसमें और उसके बाद आपका 2800 स्क्वायर फीट का यहाँ पे गाइज आपका है फोर बी ठीक है लेआउट्स काफी फंक्शनल हैं रूम के साइजेस यू नो काफी अच्छे हैं मास्टर बेडरूम के साथ यहाँ पे इन्होंने ड्रेसर भी दिया हुआ है ठीक है उसके अलावा गाइज अगर आप मेरे से पूछोगे ना यहाँ पे डेंसिटी मैंने आपको बता दी मोटा मोटा 80 यूनिट पर एकड़ की यहाँ पे आपकी डेंसिटी आ रही है ठीक है और ऑब्वियसली अगर यहाँ पर भी अगर आप कोई हायर फ्लोर पे अपार्टमेंट लोगे तो वहां से भी आपको बहुत अच्छा लेपर ट्रेल का और आपका यू you नो know, एक तरफ आपको अरावली का व्यू मिलेगा और एक तरफ आपको यू you नो know, या तो डीएलएफ की टाउनशिप का व्यू मिलेगा या आपको एन का व्यू मिलेगा तो उस हिसाब से यू नो टावर्स की पोजिशनिंग भी काफी अच्छी है पेमेंट प्लान अभी ऑफिशियली कंपनी ने प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया है तो हमें पता नहीं है बट एक जो हमें मार्केट से आइडिया लग रहा है कि शायद लॉन्च के टाइम पे शुरू में बिल्डर आपसे तीन महीने के अंदर तीस से पैंतीस परसेंट पेमेंट ले लेगा फिर आपसे कुछ पेमेंट सुपर स्ट्रक्चर पे लेगा फिर नियर ओसी और पोजिशन लेगा तो एक पीएलपी पेमेंट प्लान आपको यहाँ पे मिल रहा है नॉट लाइक यू नो अदर प्रोजेक्ट्स ऑफ बिग डेवलपर्स जो कि आपसे ग्राउंड फ्लोर स्लैब पे भी 45 परसेंट पेमेंट ले लेते हैं आज के टाइम में तो उस हिसाब से पेमेंट प्लान भी आपका फेवरेबल है ठीक है और उसके अलावा लेआउट भी अच्छे हैं प्राइस भी इसका काफी अट्रैक्टिव है और अगर मैं बात करता हूँ गैस यहाँ पे एम्यूनिटीज़ की तो जो भी एक यू नो आज की डेट में तो सारी एम्यूनिटीज़ बहुत स्टैंडर्ड हो गई है पिछहत्तर हज़ार स्क्वायर फीट का क्लब है अंदर ही आपका जो भी एम्यूनिटीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्विमिंग पूल ले से लेके स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ से लेके यू नो और भी जो सारी चीज़ होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यू नो बिल्डर यहाँ पे प्रोवाइड करेगा ठीक है अब मैं गाइज आपको बताता हूं मतलब ना ये सारी इंफॉर्मेशन तो आई थिंक आपने पहले भी बहुत सारे वीडियोज में देख ली होगी बट अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये प्रोजेक्ट क्या आपको अपनी एंड यूज के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर करना चाहिए या नहीं सो so गाइज ये प्रोजेक्ट जो आपका है अडोर सेवेंटी सेवन इसका अगर मैं आपके लिए एक ओवरऑल रिव्यू करता हूं ना गाइज तो मेरे को ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं ना कुछ चीज़ों में एवरेज लग रहा है कुछ चीज़ों में अट्रैक्टिव लग रहा है एवरेज किन चीज़ों में लग रहा है कि अगर आप देखेंगे बिल्डर बिल्डर की क्रेडेंशियल बिल्डर ने जो पुरानी कंस्ट्रक्शन कर रखी है वो काफ़ी एवरेज करी है कोई बहुत वाव काम किया नहीं है ऑब्वियसली गुड़गांव में दे हैव टू स्टेप अप एंड डू अ बेटर जॉब यू नो इफ दे वांट पीपल टू यू नो वर्क ऑन देयर प्रोजेक्ट एंड एंटर इन देयर प्रोजेक्ट लोकेशन ठीक है गाइस मतलब सामने आपका डीएलएफ है सवा सौ एकड़ का ठीक है पास में ही आपका एन है और एस पी आर रोड सी पी आर रोड सारी चीज़ें ग्लोबल सिटी वहाँ से ईजिली अप्रोचेबल है तो लोकेशन के हिसाब से आई वुड से कि जब तक इस प्रोजेक्ट का पोजिशन आएगा तब तक डी एल एफ का भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर डेवलप हो गया होगा तो लोकेशन तो मेरे को इसकी ना काफ़ी अच्छी लगी तीसरी चीज गाइज अगर आप देखोगे प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो प्रोजेक्ट के लेआउट्स काफ़ी डिसेंट है ठीक है अंदर ओपन ग्रीन एरिया भी उन्होंने 50-60 परसेंट का दिया ही हुआ है तो आज की रेट में यू नो स्टैंडर्ड हो चुका है आपके हाई राइजेस में ठीक है उसके बाद गाइस एक और चीज जो है इसमें वो है प्राइसिंग ठीक है प्राइसिंग मेरे को लगता है कि एवरेज वेटेड प्राइस जो उस एरिया का है उससे कम है तो देन इट बिकम्स अ बिग अपॉर्चुनिटी बोथ फॉर एंड यूजर्स एज वेल एज फॉर इन्वेस्टर्स ठीक है द ओनली थिंग दैट यू नीड टू रिसर्च ऑन और द ओनली थिंग दैट यू नीड टू बी कन्विंस्ड अबाउट आर द क्रेडेंशियल ऑफ द बिल्डर कि आप ये देखें कि इन्होंने फरीदाबाद में कैसे प्रोजेक्ट बनाए हैं आप उनके बारे में थोड़ा सा आप गूगल पे रिव्यूज देखें और अपनी तरफ से रिसर्च करें तो आप बिल्डर को लेके अगर आप कॉन्फिडेंस बना सकते हैं अगर आपका यू नो बिल्डर को लेके आप यू you नो know, उनकी क्रेडेंशियल्स को लेके कॉन्फिडेंट हैं तो उसके अलावा मैं आपको बता सकता हूं गाइस चार साल के पेमेंट प्लान के साथ एक एंड यूजर को शायद दो सवा दो करोड़ में गुड़गांव में दोबारा इस प्राइस पॉइंट पे घर नहीं मिलेगा ठीक है जिस तरीके से आ, रेट्स बढ़ रहे हैं गुड़गांव में ठीक है रीसेल मार्केट में आपको जो चीजें दो करोड़ की मिलती है वो पाँच साल दस साल पुरानी मिलती है ठीक है यहां पे आपको फ्रेश कंस्ट्रक्शन मिल रही है तो ओवरऑल गाइज अगर आप मेरे से पूछोगे ना तो आई एल प्रॉब्ली रेट दिस प्रोजेक्ट सेवन आउट ऑफ टेन एंड आई वुड लुक एट दिस प्रोजेक्ट मोर फ्रॉम अ एन डी यूज पर्स्पेक्टिव ठीक है इन्वेस्टमेंट के लिए तो और भी अपॉर्चुनिटीज आती रहती है लेकिन शायद एक अगर आप एन डी यूजर हो जो दो करोड़ के बजट को बेचारा पार नहीं कर पा रहा है और वो गुड़गांव में ही रहना चाहता है और क्या कहते हैं साइबर सिटी आने वाले टाइम में वहाँ पे उसका ऑफिस हो सकता है या मतलब ना उस एरिया में और आसपास कहीं उसका वर्किंग होगा या उसके यू नो पार्टनर का स्पाउस का वर्किंग होगा तो मेरे को लगता है कि इस प्रोजेक्ट को आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं अभी इसमें प्री लॉन्च वाले कुछ यूनिट्स हैं जो एग्जिट हो रहे हैं लोग वो हमारे पास काफी अच्छे प्राइस पे यहाँ पे यूनिट्स अवेलेबल हैं आप हमें कॉल करेंगे तो आर एडवाइजर्स विल बी एबल टू गाइड यू कि आप क्या प्राइस पॉइंट पे यहाँ पे चीजें खरीद सकते हैं ठीक है उसके अलावा गाइज My focus is going to be SPR road and all the sectors around SPR. From 69 77, 77, 78, 76, 77, 78, 76, 79 का मैं एक बहुत डिटेल रिव्यू पिछले हफ्ते कर चुका हूँ ठीक है आज मैंने आपको 77 के भी एक प्रोजेक्ट के बारे में बताया है आने वाले टाइम में मैं सिग्नेचर की नई टाउनशिप को भी कवर करूंगा सेक्टर 69 में भी कुछ प्रोजेक्ट आ रहे हैं 70 में भी कुछ प्रोजेक्ट आ रहे हैं बहुत सारी चीजें हैं जो इस एरिया में आने वाली है तो आर फोकस इज गोइंग टू बी एसपीआर रोड ठीक इस तो जिस तरीके से आप लोगों ने मुझे पहले सपोर्ट किया है प्लीज आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा प्लीज लाइक शेयर एंड कॉमेंट ऑन आवर कॉन्टेंट एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल आई विल सी यू गाइज अगेन वेरी सुन बाय फोर नाउ